उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया, पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। महाराष्ट्र पीसीएस की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की। बहुत 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 स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। वाओ, एंड यू हैव बीन वन ऑफ द यंगेस्ट। जी वाओ। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और जो बीपीएल फैमिलीज होती है बिलो पावर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पावर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियाँ नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसे किसी काम को लगा दीजिए, घर में दो पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, घर का खर्च। और मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। फाइनेंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ा लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहली से एक नंबर एक आता गया तो आखिर तक नंबर एक ही आया उसका। उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी, घर का परस्ती बताया नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी उस समय भी, आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने के लिए। 10th में मेरी छुट्टियां चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो MSCIT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फीस थी लगभग 2800 समथिंग, उस वक्त उसकी फीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है। मुझे वो लगभग 3000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। अब्बू ने कहा ठीक है, तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था, और काम काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएं से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ कर देना, ये सब इस तरह का काम, एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ करना होता था बैठ के हाथ से, तो वो काम मैंने किया। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था, तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया है।
मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के पास मेरे भाई को जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था, छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। आपसे छोटे हैं जी। और मैंने दसवीं की छुट्टियों में काम किया, बारहवीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के दो साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरे भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफर कर देता था बैंक में, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने अपने अबू से शिकायत की कि अबू अगर फोर्थ में तब वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं आईएएस ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अबू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो आई वेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए, 12वीं में उसको 100 पाव के 100 मार्क मिले आर्ट्स में, वो भी तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए, फिर मेरे घर छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत, वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला आप लोग को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच डालेंगे अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मैं को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बने वाला है। ये बताइए अब ये सब हालात हो गए उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में ये कब आया कि मुझे यूपीएससी, मतलब गांव में जैसे आप पले बड़े आपको पता भी नहीं होगा कि यूपीएससी की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफर तक कैसे पहुंचे? हमको एक घरकुल योजना मिली थी बीपीएल फैमिली के तहत, तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीजिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी, तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एमपीएससी के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे एमपीएससी के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उन्होंने एमपीएससी के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से आईएएस बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेले थे, मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अंसर कभी जब तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उस दौरान भी तो ये फेज आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बाद में खुद से ही मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि देखिए मेरे सामने दो ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था, और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए, जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है, उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए यह अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक आईएएस ऑफिसर के साथ खाना खाया। उन्नीस फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसका फोन आया, तो कहा अंसार यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट बढ़ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता, मैंने कहा ले लो भाई, मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा
और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए, एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं आपकी बातें सुनकर, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा, मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या हो? मेरी ज़िंदगी की, मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जास मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मजहब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।